हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव शहर के रहने वाले पत्रकार सूरज पांडे की मौत की जांच करने में पुलिस जुटी है, लेकिन जांच का नतीजा आने से पहले ही उन्नाव में कई संगठन इसे हत्या मान रहे हैं तो कई इसे आत्महत्या मान रहे हैं। लिहाजा दोनों पक्षों की तरफ से अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हत्या मान रहे संगठन लगातार डीएम कार्यालय में जाकर आरोपी महिला दरोगा सुनीता चौरसिया को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं महिला दरोगा सुनीता चौरसिया के पक्ष में चौरसिया समाज और पिछड़ा वर्ग संघ सड़क पर उतर आया है। गुरुवार को चौरसिया महासभा और पिछड़ा वर्ग संघ के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे और सुनीता को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस दौरान चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश के महामंत्री एडवोकेट राजकुमार चौरसिया ने मुख्यमंत्री को दिए गए 3 सूत्री ज्ञापन में कहा कि महिला दरोगा और पुलिस कर्मी के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ली जाए, इसके साथ ही निलंबन की कार्रवाई को निरस्त किया जाए और मामले की जांच निष्पक्ष रूप से रिटायर्ड जज से कराई जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में ये मांग भी रखी गई है कि विवेचना पूर्ण होने तक आरोपियों की गिरफ्तारी न की जाए। महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री प्रियंका चौरसिया ने कहा कि दरोगा सुनीता चौरसिया को इस केस में जबरदस्ती ही दोषी साबित किया जा रहा है। कोई छोटे नहीं आई है उसमें, डेथ के पहले की कोई इंजरीज नहीं है पीएम में, जो भी इंजरीज है वो एट ए टाइम की इंजरी है, ट्रेन से कटने की इंजरी है, उनमें सिर्फ 7 इंजरी पाई गई। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष शिवम चौरसिया ने कहा कि हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसी मामले को लेकर बीजेपी के मंडल महामंत्री मदन चौरसिया ने भी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान प्रशांत चौरसिया, विशाल चौरसिया, मुकेश रावत, रवि यादव, विपिन चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकित चौरसिया, दिलीप चौरसिया, शुभम, शिवम, धर्मेंद्र, शिव कुमार चौरसिया, सुरेश चौरसिया, रमेश चौरसिया, लवकुश चौरसिया, राजनारायण चौरसिया, अशोक चौरसिया, उमाकांत, अंशु, संजय चौरसिया, अनिल, आकाश, अमन, आर्यन, रमेश, संदीप लोधी, दयाराम, विजय, राहुल, मुनेंद्र, गौतम, अभिषेक, दिनेश चौरसिया, श्यामू, निखिल, दिलीप भारती उपस्थित रहे। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के संगठन लगातार डीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस जांच में आखिर क्या निकलता है। संवाददाता लक्ष्मीचंद की रिपोर्ट, उन्नाव यू न्यूज़।